प्रयागराज जिले की 12 विधानसभा सीटों के लिए 10 मार्च को मुंडेरा मंडी में वोटों की गिनती होनी है, जिसको लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। जहां जिला निर्वाचन कार्यालय और मुंडेरा मंडी मतगणना स्थल के बीच अफसरों की आवाजाही बढ़ गई और मतगणना स्थल का खाका भी तैयार हो गया, वहीं मुंडेरा मंडी की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। देखिए, यहाँ पे डीएम और एसपी साहब हैं, उपलब्ध हैं, बाकी सारी उनकी टीम भी है। यहाँ पे दो तीन मुख्य चीज़ें रहती हैं काउंटिंग के समय जो हमें ध्यान देनी है। एक तो जो प्रत्याशी हैं, जो हमारे इलेक्शन एजेंट्स हैं जो उस दौरान रहते हैं, उनके आवागमन की क्या स्थिति रहेगी, उनके पास वगैरह निर्मित जो किए जाएंगे उसकी क्या स्थिति रहेगी, कैसे उनको लेके जाना है ताकि जो ईवीएम का कॉरिडोर हमने बनाया है उससे वो मिश्रित ना करें। तो वो लेआउट मैंने भी देखा है और डीएम साहब और एसपी साहब उसमें कार्रवाई उस पर कर ली, उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है, तो वो हम इंश्योर करेंगे। पार्किंग की व्यवस्था एक रहती है, तो पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे चिन्हित की गई है, कम से कम चलना पड़े जो हमारे इलेक्शन एजेंट्स हैं और जो हमारे प्रत्याशी लोग हैं, वो व्यवस्था भी हमने देख ली है। बाकी जो सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस के अंतर्गत अभी हमारे सारे जो हमारे स्ट्रांग रूम्स हैं वो हैं, और उस दिन जैसे निर्देश हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उसके हिसाब से काउंटिंग की जो कार्रवाई है वो संपन्न की जाएगी। काउंटिंग की जो स्थिति है वो आप 8 बजे से शुरू करेंगे हम, और बैलेट पेपर पहले राउंड पे जाएंगे, उसकी व्यवस्था की गई है। जो निर्देश आए हैं वो ये हैं कि अभी जो हॉल्स की जो संख्या थी, जो एक हॉल में जो हम टेबल जो लगाते हैं 14 अमूमन रहती हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। 10 तारीख को सुबह 8 बजे से हमारे यहाँ पर प्रयागराज की 12 विधानसभाओं के लिए काउंटिंग शुरू होना है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू होगी और उसके आधे घंटे बाद हम लोग ईवीएम की काउंटिंग शुरू करेंगे। हमारे यहाँ पर फूलपुर की लगभग 34 राउंड्स होने हैं और मेज़ा के 27 राउंड होने हैं, तो कोशिश करेंगे कि 5-6 बजे के आसपास हम लोग हमारे यहाँ की काउंटिंग फिनिश कर लें। हर काउंटिंग सेंटर पे हमारी 14 टेबल्स ईवीएम की काउंटिंग के लिए है और आवश्यकता अनुसार 4 से 5 टेबल्स हमारी बैलेट पेपर की काउंटिंग के लिए है। हमने एजेंट्स के लिए पास वास बनाना शुरू किया है, तो हर काउंटिंग सेंटर पे हमारे जो नॉमिनेटेड एजेंट होंगे कैंडिडेट्स के, वो उपस्थित रहेंगे। सारी प्रक्रिया की पूरी तरीके से वीडियोग्राफी होती रहेगी और हमने बाहर की तरफ पीने के पानी की और टॉयलेट्स की अच्छी व्यवस्था कर रखी है। सैयद आकिब हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आकिब, मतगणना के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रशासन के द्वारा, जाना चाहेंगे? जिला है जहां पर सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, 12 विधानसभा की सीटें हैं, और मतगणना की अगर हम तैयारी की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने, अधिकारियों ने 4 स्तरीय जो सुरक्षा घेरा है वो बना के रखा है। और अगर मतगणना स्थल के अंदर की बात करें तो 1100 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो मतगणना स्थल पे रहेंगे। साथ ही साथ करीब 6 से 7 ऐसी आमने सामने टेबलें लगाई जाएंगी, और चूंकि ये 12 विधानसभा है तो वहां पर एआरओ और आरओ के जो लोग हैं वो भी हर टेबल पर तैनात रहेंगे, और जितने भी यहां पर और कर्मचारी हैं सबका आईएनटी कार्ड बना हुआ है, चाहे वो मीडिया के हों या फिर पुलिस कर्मी हों। तो जिस तरीके की तस्वीर बनारस से सामने आई थी उसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। आरएएफ और सीआरपीएफ के जवानों को मतगणना स्थल पर तैनाती दी गई है, तो काफी संख्या में जो पुलिस प्रशासन की जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं, और तकरीबन 200 मीटर दूरी से ही सुरक्षा घेरा को बनाया गया है। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।